Good morning everyone, Shaista here from Worker's College, Jamshedpur. Today, I'm going to discuss process management in operating system. I have explained all the basic concepts of operating system and today I'll explain what is the process and how to manage process in operating system. So what is a process? A process can be thought ऑफ़ एज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन तो बेसिकली प्रोसेस को क्या बोला जाता है कि अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूशन प्रोसेस को एक एक्टिव इंटिटी बोला जाता है कि कोई भी प्रोग्राम सिंपल हम जब तक लिखते हैं वो एक प्रोग्राम रहता है जैसे ही वो रनिंग मोड में जाता है उसके बिहाफ में क्या बनता है वो प्रोसेस बन जाता है तो अप प्रोसेस को क्या बोलते हैं अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन ओके तो अ प्रोसेस विल नीड प्रोसेस को आ, कुछ कुछ रिसोर्स का ज़रूरत पड़ता है जैसे प्रोग्राम हम जब लिख रहे हैं तो सिर्फ क्या लग रहा है मेमोरी में एक स्पेस मिला जहाँ पे हम कुछ लिखें बट जब जैसे ही हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं जैसे ही हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं वो प्रोसेस बनता है तो उसको रैम में स्पेस चाहिए होता है है ना कि कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में जाता है तो पहले रैम में जाता है और रैम के बाद फिर कहाँ जाता है उसका एक एक इंस्ट्रक्शन सी में एग्जीक्यूट होता है तो सी का टाइम लग रहा है मेमोरी का रिसोर्स लग रहा है इनपुट आउटपुट का ज़रूरत पड़ेगा तो इनपुट आउटपुट डिवाइस लगेगा कोई फाइल्स अगर मेमोरी से रीड लेना पड़ेगा तो कोई फाइल्स लेंगे इसीलिए इसको एक डेफिनेशन के थ्रू हम जब हम देखते हैं तो क्या बोलते हैं कि आप, प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन And a process will need certain resources such as CPU time, memory, files, and input output devices to accomplish its task. दीज रिसोर्सेज़ आर एलोकेटेड टू द प्रोसेस इधर वेन इट इज़ क्रिएटेड और वाइल इट इज़ एग्जीक्यूटिंग तो क्या बोला जा रहा है कि ये जितना भी हम रिसोर्स का नाम लिए हैं कि सी पी यू का टाइम हो गया मेमरी हो गया फाइल हो गया इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया ये सब आ, कब अलॉट होता है प्रोसेस को या तो जब प्रोसेस क्रिएट हो रहा होता है उस टाइम वे अलॉट करते हैं या फिर प्रोसेस जब एग्जीक्यूशन में रहता है सी पी यू में रहता है उस टाइम पर एलोकेट होता है उस टाइम पे ये सारा रिसोर्स को यूज़ करता है नेक्स्ट तो प्रोसेस क्लियर हो गया प्रोसेस क्या होता है तो इनिशियली जब सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम था तो उस टाइम पे हम लोग मोर देन वन प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करता था एट अ टाइम एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करता था ठीक है तो उस टाइम पे मेमोरी का uh, कैसे कंसेप्ट था यहाँ हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा अर्ली कंप्यूटर सिस्टम अलाउड ओनली वन प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम है ना जैसा अभी हम बताएं कि सिंगल कंप्यूटिंग में क्या होता था सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था कि एक ही प्रोग्राम एट अ टाइम एग्जीक्यूट करता था एंड दिस प्रोग्राम हैड कम्प्लीट कंट्रोल ऑफ द सिस्टम अब उस जब एक ही प्रोग्राम यूज़ हो रहा है तो सिस्टम का सारा रिसोर्स या सिस्टम का कुछ भी आईओ uh, डिवाइसेज़ जो कनेक्टेड है उसको यूज़ करना होता था तो वो प्रोसेस सिस्टम के हर रिसोर्सेज पे उसका पूरा कंट्रोल होता था ओके एंड हैड एक्सेस ऑल द सिस्टम्स रिसोर्सेज नेक्स्ट हम लोग आते हैं आ, अभी ये देखिए दिखा रहे हैं कि मेमोरी में प्रोसेस किस तरह से रहता है प्रोसेस जैसे ही रनिंग uh, स्टेट में जाता है तो ये मेमोरी में इसका एक क्यू है जहाँ पे स्टैक है हीप है डेटा सेक्शन है टेक्स्ट एरिया है ये हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि क्या रहता है ये ज़ीरो टू मैक्स मतलब एक एरे टाइप का एक क्यू है है ना वहाँ पे जाकर के स्टोर रहता है अब वन बाई वन हम लोग एक्सप्लेन करते हैं हम लोग सी का एक प्रोग्राम का एग्ज़ाम्पल लेते हैं ना जब उसको रन करते हैं तो वो प्रोसेस बनता है और फिर वो कैसे कैसे मेमोरी को एलोकेट करता है और क्या क्या रिसोर्स को लेता है मान लो आप सिंपल एक सी का प्रोग्राम लिए जिसमें फैक्टोरियल निकालना है तो पूरा कोड जो रहता है वो कहाँ पर आता है आपका ये टेक्स्ट सेक्शन में आता है ओके पूरा कोड कहाँ पे स्टोर रहता है टेक्स्ट सेक्शन में स्टोर रहता है कोई ग्लोबल वेरिएबल अगर हम यूज़ कर रहे हैं उस कोड में तो वो डेटा सेक्शन में जाएगा अगर हम लोग मैलोक या कैलोक करके मेमोरी एलोकेशन या न्यू करके मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं रन टाइम पे तो वो यहाँ से ये हीप जो है हीप रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट करवाता है स्टैक क्या है हमारा यहाँ पे कोई आ, लोकल वेरिएबल बोल सकते हैं जैसे हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं फैक्ट फैक्ट में हम एक पैरामीटर पास करें हैं कि इंट ए है ना तो ये इंट ए जो हम यूज़ कर रहे हैं जो इनसाइड द फंक्शन यूज़ होगा जैसे ही वो फंक्शन का कॉलिंग ख़त्म होता है उसका काम ख़त्म हो जाता है तो उस तरह का वेरिएबल कहाँ पर स्टोर रहता है स्टैक में स्टोर रहता है ओके अभी हम लोग थोड़ा सा रीडिंग करते हैं क्लियर हो गया ये सारा चीज़ तो इनफॉर्मली एज मैंशन अर्लियर अ प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन प्रोसेस इज मोर देन द प्रोग्राम कोड जैसा कि एक्सप्लेन करें विच इज समटाइम्स नोन एज द टेक्सट सेक्शन ठीक है नेक्स्ट इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड्स द करेंट एक्टिविटी एज रिप्रेजेंटेड बाई द प्रोग्राम काउंटर प्रोग्राम काउंटर क्या होता है जो करंट एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है वो आप लोगों को बताते हैं एक प्रोसेस में ना लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहता है जैसे आप एडिशन भी कर रहे हो मल्टीप्ली मल्टीप्लाई uh, भी कर रहे हो और uh, सब्सट्रैक्शन भी कर रहे हो तो सी इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी नेक्स्ट लाइन में है डी इज़ इक्वल्स टू ए इन टू बी तो ये दो इंस्ट्रक्शन हो गया ना मल्टीप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन और दूसरा एडिशन uh, इंस्ट्रक्शन तो ये uh, सारा इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहाँ जाता है प्रोग्राम काउंटर में लाइन बाय लाइन स्टोर हो जाता है कि अभी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है वो भी एक क्यू में मेंटेन होता है ठीक है वो भी एक क्यू में मेंटेन होता है जहाँ से वन बाई वन इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाता है फिर सी उसको एग्जीक्यूट करता है तो उसी इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर बोला गया है कि uh, प्रोसेस प्रोसेस जनरली ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रोसेस स्टैक टैग विच कंटेंस टेम्परेरी डेटा सच एज फंक्शन पैरामीटर जो यहाँ पे एक्सप्लेन करें आप लोगों को अ प्रोसेस में ऑल्सो इंक्लूड अ हीप विच इज़ अ मेमोरी दैट इज डायनेमिकली एलोकेटेड रन टाइम जो मेमोरी को एलोकेट करता है दैट इज हीप डेटा सेक्शन एक्सप्लेन कर चुके हैं टेक्स्ट एरिया एक्सप्लेन कर चुके हैं कि प्रोग्राम का कोड ही सिर्फ नहीं रहता है कितना मेमोरी लिया सारा इन्फॉर्मेशन जो एक बंडल में जाता है वो टेक्स्ट सेक्शन हुआ ओके okay. नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं कि प्रोसेस का स्टेट जैसे हम क्लिक करते हैं कहीं पे है ना मान लो कि हम राइट right क्लिक करें एक फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए क्रिएट फोल्डर पर क्लिक करें तो प्रोसेस एक क्रिएट हो गया है ना तो वो एक प्रोसेस का स्टेट है अलग अलग किस uh, कितना स्टेट है प्रोसेस का पांच स्टेट है नंबर वन रेडी टू नंबर वन न्यू स्टेट टू इज़ रेडी स्टेट नेक्स्ट वन इज़ रनिंग वेटिंग एंड टर्मिनेटेड स्टेट बहुत सारी बुक में वेटिंग की जगह पे ब्लॉक्ड स्टेट भी लिखते हैं यहाँ पे ब्लॉक्ड स्टेट ये सी, uh, अब आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कौन कहाँ कहाँ पे रहता है ठीक है तो सबसे पहले जो हम लोग आ रहे हैं न्यू स्टेट कोई प्रोसेस जैसे स्टार्ट होता है मान लो कहीं पे हम क्लिक कर रहे हैं स्टार्ट हुआ प्रोसेस तो वो सारा मान लो दस क्लिक करे हुए अलग अलग वेब पेज में तो दसों का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है भले वो पेज खुले या नहीं खुले तो वो एक जो लिस्ट बनता है प्रोसेस का प्रोसेस को आई दिया जाता है प्रोसेस को नेम दिया जाता है प्रोसेस क्या क्या रिसोर्स एलोकेट कर रहे हैं वो सारा लिस्ट जो मेनटेन होता है कि प्रोसेस आई के साथ में वो न्यू स्टेट में हो जाता है ठीक है रेडी स्टेट में आते हैं रेडी स्टेट में कब आता है जब हर प्रोसेस ऑब्वियसली हर प्रोसेस को रिसोर्स का ज़रूरत पड़ता है जैसा हम बताएं कि आईओ डिवाइसेस का ज़रूरत पड़ता है सीपीयू का टाइमिंग चाहिए मेमोरी चाहिए फाइल चाहिए अगर किसी प्रोसेस के पास वो सारा रिसोर्स मिल गया है तो वो आ जाएगा रेडी क्यू में मतलब वो रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू में जाने के लिए वो वेट करता है सीपीयू का कि जैसे ही सीपीयू खाली हो हम सीपीयू में जाएं और एग्जीक्यूट करें ओके रनिंग स्टेट का मतलब होता है कि सी के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई भी कोई सी का जैसे अभी हम फैक्टोरियल वाला एग्जाम्पल लिए है ना सारा रिसोर्स है हम एक प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं सारा रिसोर्स है वो रेडी में चला गया एग्जीक्यूशन के लिए जब उसका टाइम आया यहाँ पे बहुत सारा शेड्यूलिंग एल्गोरीदम रखता है कि रेडी रेडी क्यू में लिस्ट ऑफ प्रोसेस रहता है तो कौन प्रोसेस कब एग्जीक्यूट करेगा उसके लिए यहाँ पे शेड्यूलिंग हम यूज़ करते हैं रेडी क्यू में तो पिक करता है वो प्रोसेस को भेजता है रनिंग में वो एग्जीक्यूट होते होते कोई आयो ऑपरेशन का जरूरत पड़ता है या किसी फाइल का ज़रूरत पड़ता है तो सी उस प्रोसेस के लिए वेट नहीं करता है कि इसको रिसोर्स देते रहो फॉर एग्ज़ाम्पल कि इंटर ए नंबर बोलते हैं जे ये इनपुट आउटपुट रिसोर्स है है ना इसके लिए यूज़र पे डिपेंडेंसी है हम प्रोग्राम रन करते करते छोड़कर कहीं चले जाते हैं तो क्या वो सीपीयू वेट करते रहेगा कि आप दो नंबर इनपुट जब भी आइए आधा घंटा बात कीजिए हम कोई काम नहीं करेंगे ऐसा नहीं है उस केस में जब कोई आयो डिवाइस का ज़रूरत पड़ता है या किसी रिसोर्स का मतलब किसी भी टाइप का इंटरप्शन आता है इसके एग्जीक्यूशन के बीच में किसी भी तरह का तो वो तुरंत रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में डाल देता है अगर इंटरप्शन नहीं आता है तो वो रनिंग स्टेट से टर्मिनेटेड स्टेट में चले जाता है ठीक है और प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है अगर इंटरप्शन आता है फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल वाले में इंटरे नंबर हम लोग डाले हुए हैं तो रनिंग के बीच से वो वेटिंग में जाएगा वेटिंग में वो वेट करते रहेगा जब तक कि उसको वो रिसोर्स ना मिल जाता है उसको ए और बी का नंबर अगर उसको मिल गया है फिर से वो सारा रिसोर्स मिल गया जिसके लिए एग्जीक्यूशन का ज़रूरत पड़े फिर वो जाता है रेडी स्टेट में कि आई एम रेडी टू एग्जीक्यूट ठीक है तो वो प्रोसेस फिर रेडी फिर उसका शेड्यूलिंग एल्गोरिदम लिखता है फिर वो रनिंग में जाता है और ये इस तरह से एग्जीक्यूशन चलते रहता है तो ये था प्रोसेस स्टेट ओके आई थिंक uh, मुझे uh, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और किसी भी तरह का डाउट होता है अगर uh, कुछ आपको पढ़ा रहे हैं मेरा हो सकता है कि वर्डिंग में बहुत बार न्यू की जगह रेडी निकल जाता है बट आप लोग को हमको लगता है रेगुलर वीडियो सीएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा ये थोड़ा प्रॉब्लम uh, है हो जाता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो कैसा है क्या नहीं समझ में आ रहा है क्या आ रहा है अच्छा लग रहा है तो अप्रिशिएट कीजिए जो नहीं समझ में आ रहा है वो बताइए प्लीज़ ओके देखिए प्रोसेस स्टेट में क्या है द प्रोसेस इज़ बीग क्रिएटेड न्यू में रनिंग में क्या है इंस्ट्रक्शंस आर बींग एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू वेटिंग में क्या है कि वेटिंग फॉर सम इवेंट और टेक्स्ट ओके जैसे अभी बताए हैं रेडी में क्या है कि द प्रोसेस इज़ वेटिंग टू बी असाइन टू द प्रोसेसर मतलब सीपीयू में जाने के लिए वेट कर रहा है टर्मिनेटेड में क्या है प्रोसेस हैज़ बिन फिनिश्ड ओके थैंक यू वेरी मच वेलकम बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ आएंगे थैंक यू